नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप हमें बताना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वाई एक्सिस इनके बीच में क्या एंगल होएगा नाउ अपने को ए वेक्टर दिया हुआ है लेट्स ए वैक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप और हमें दूसरा वेक्टर जो है हमें एंगल बताना है वाई एक्सिस के साथ सो so, दूसरा वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं जे कैप बिकॉज दिस विल बी अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सेस ये आपका यूनिट वैक्टर हो गया वाई एक्सेस के अलॉन्ग सो so हमें ये पता है कि दो वैक्टर के बीच में एंगल निकालना हो कॉस्टा उसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट बी दो वैक्टर और उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर सकते हैं ना इन दोनों का अगर आप मैग्नीट्यूड वो करेंगे पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो तो वेक्टर का आई आई और जे जे और के के मल्टीप्लाई होते हैं बाकी सारे जीरो हो जाते हैं बिकॉज उनके बीच में एंगल 90 यानी कि कॉस्टा जीरो हो जाता है सो so, इस केस में डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो सिर्फ जे को मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी ज़ीरो प्लस थ्री और नीचे मैग्नीट्यूड लेंगे सो दिस विल बी टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वन का स्क्वायर सो so ये आ गया थ्री बाय रूट थर्टीन ना अपना को सीटा की वैल्यू है थ्री बाय रूट थर्टी नाउ बड़ी इंटरेस्टिंगली सवाल अब इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है बिकॉज चार ऑप्शन देखेंगे उसमें थ्री बाय रूट थर्टीन ऑप्शन नहीं है सो इसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी अगर हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें जिसमें मान लीजिए ये एंगल थीटा है कॉ सीटा की वैल्यू है थ्री बाय इसका मतलब हुआ कि बेस डिवाइड बाई हाइपरटनियस आपका थ्री बाय है सो ये थ्री ये हो गया अंडर रूट थर्टीन आओ इस वाले परपेंडिकुलर को हम यहाँ लिख सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थर्टीन का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर सो ऐसा करके अपने इसकी वैल्यू आ गई टू बिकॉज इसका बनेगा थर्टीन माइनस नाइन करेंगे फोर फोर का अंडर रूट लेके वैल्यू आ गई टू नाउ इस ट्राएंगल को अगर गौर करेंगे तो इस ट्रैंगल का साइन थीटा बना टू बाय रूट थर्टीन और इसका टेन थीटा बना टू बाय थ्री सो विच मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू टू बाय थ्री हालांकि इसको हम देख के कह सकते हैं विच मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स टू बाय थ्री विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम